more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. Guys, you have got to stop talking. सवाल क्या? आशी एक अलग ही खुशी नजर आ रही है आपको, चलते जाना चाहिए फिनाले में, ऐसा क्या हुआ है, किस तरह परफॉर्मेंस हुआ, क्या क्या हुआ? एक्चुअली मैं तो हमेशा से खुश रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरे साथ ज़्यादा होता है बिग बॉस में, या अधिकार मिलते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है. तो अभी भी मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सब जितने भी कंटेस्टेंट हैं, हम साथ में बहुत इतने दिन के बाद मिले हैं, तो साथ में रहना और साथ में मस्ती करना मायने रखता है मेरे लिए. तो हम लोग खुश हैं इसी वजह से. और रहा सवाल जो फिनाले का है, तो सलमान साहब हैं, उनको देख कर तो वैसे ही चेहरे पर खुशी आ जाती है, तो और अपने आप को देखकर भी आने लगी आजकल. अच्छा, जो गिले शिकवे थे खत्म हो चुके हैं, अभी मिल रहे इतने टाइम बाद सब? देखिए, गिले शिकवे मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जो लोग पसंद नहीं आते, तो वो मैं सामने रही हूँ कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है. हाँ, हम किसी से दुआ सलाम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मायने रखते हैं, ये लोग हैं मेरे लिए, मेरे अपने हैं, लेकिन जिनसे मेरा नहीं था, बॉन्ड नहीं था, वो शायद आगे भी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा. अगर नाम लेना चाहेंगी अर्शी आपकी, किससे आप आगे बॉन्ड नहीं रखना चाहती है? नहीं, क्योंकि मैं उनको, वो हमारा एक फेवरेट डायलॉग है, फुटेज मैं नहीं देना. Yes. You said that you also, I think, put on Twitter or something that you would want to apologize to Shilpa, go back and yeah. What was the reason for that? And then you said a few things about Hina as well. Yeah, in fact, it's very funny because Arshi is right here. I think Arshi को ही मैंने बोला था बिग बॉस में कि मेरा जो रिश्ता है शिल्पा से, वो डिस्टेंट रहा है, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हर एंड आई लव्ड हर अ लॉट. तो आई थिंक कि जो लास्ट वीक आई वॉज अगेंस्ट हर, जो मैंने उनको बोला कि आप फेक हो या आप फेक करती हो विकास के साथ ड्रामा, तो आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज जब मैं निकली तब यू नो आई काम डाउन और सारी मेमरीज़ वापस आ गई, हु वॉज देयर फॉर मी थ्रू आउट द हाउस. मैंने ऑफकोर्स थोड़े एपिसोड्स देखे, थोड़े शॉर्ट्स देखे, वूड शॉर्ट्स एक्सेट्रा, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी. यू नो यूजुअली बाहर आके आपको और देखने को मिलता है, अंदर आपकी अगर कोई बिचिंग करता है पीठ पीछे, आपको इतना पता नहीं चलता, चीज़ मुझे नहीं पता चला. तो आई वॉज वेरी अपोलोजेटिक टूवर्ड्स हर, स्टिल आई एम, एंड आई रियली रियली होप शी विंस द शो. What about you, love? What about me? क्या कहना चाहेंगे, किन लोगों से बॉन्ड रखना चाहेंगे और किन लोगों से नहीं? बॉन्ड तो देखो सबसे रहेगा, बट देन कुछ लोगों से अर्शी, बिनाफ्शा, सपना, हिना, प्रियांक, इन सबसे मिलूंगा, सभ्यसाची, मैं जब भी, और बाकी सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे जो शो में हुआ वो शो में ही है, अदरवाइज इट्स ऑल कूल. वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे पता था कि मैं निकलने वाला, सो आई थिंक मे बी नर्वसनेस में मैंने वो 100 ज्यादा अगर चीटिंग करनी होती, वही बात मैंने पहले भी कही थी कि मुझे विकास के वोट पता थे, अच्छे से चीटिंग करता ना यार, 450 लिखता मैं, बट अच्छे से बाय चांस हो गया. बट डिड यू वंडर व्हाई वाज विकास काउंटिंग आफ्टर यू हैड लेफ्ट? I have really no clue. I don't know. उसकी वजह ये थी, मैं बताती हूँ, क्योंकि उसी दिन मैं घर में गई थी, क्योंकि उन्होंने वो जो बॉक्सेस थे वो उन्होंने 2 दिन तक नहीं हटाए बिग बॉस ने, और उन्होंने फिर से हम लोग को मजबूर कर दिया था कि हम उसे काउंट करें, क्योंकि वैसे क्या होता था, जो भी टास्क के लिए सामान आता था वो जल्द से जल्द स्टोर रूम में रख दिया जाता था, लेकिन सिर्फ उसी वक्त ऐसा हुआ था कि 2 दिन तक वो बॉक्सेस रखे गए थे और हमें मजबूरन करना पड़ा. अच्छा, देखा जाए तो बाहर आप तीनों ने देख लिया कि बाहर किस तरह का माहौल बन चुका है बिग बॉस को लेकर, कौन ट्रेंड कर रहा है कौन है, बट आप तीनों से पहचान रहे आप किसको चाहती हैं? हाँ, क्योंकि अर्शी आपकी तो दो खास देखिए, मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि शिल्पा भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि उनको मैंने माँ का दर्जा दिया है, विकास को मैंने दोस्ती का दर्जा दिया है, तो दोनों ही मेरे लिए मायने रखते हैं, चाहे विकास जीते चाहे शिल्पा जीते, फ़ायदा मेरा ही होने वाला है. एक नाम अगर आप देना चाहते हैं, विकास बिल्कुल मेरे दिल के करीब है ज़्यादा, और शिल्पा भी हैं. मेरे फेवरेट्स अकॉर्डिंग टू द गेम शिल्पा और विकास है, पर अगर मैं
अपने जो मेरा और खास रहा है और फ्रेंडली रहा है मेरे से बिग बॉस हाउस में, तो वो विकास. तो बायस्ड अगर होकर मैं बोलूँगी थोड़ा, तो विकास, वरना दोनों इक्वली डिजर्व करते हैं. आई थिंक इना दोस्त है तो चाहूँगा कि वही जीते, बट देन विकास ने भी बहुत अच्छा खेला है, शिल्पा जी ने भी. बट मुझे पर्सनली जो लगता है शिल्पा जी के ज़्यादा चांसेस लगते हैं मुझे जीतने के. ये पर्सनल ज्यादा सोचता है. बहुत आशी, आप जब वापस आई बिग बॉस हाउस में टास्क के लिए, तो एक रिपेंटेंस दिख रहा था, एक रिग्रेट दिख रहा था, जो भी आपका बिहेवियर रहा था शिल्पा के साथ जब आप शो में थी, तो आपने आके उनसे बहुत मतलब शिल्पा मां करके आपने बहुत ज्यादा बॉन्ड एक वापस अपना स्ट्रांग करने की कोशिश की, तो आपने बाहर जाके ऐसा क्या देखा था कि वो फेल के आपको वापस जाके वो रेक्टिफाई करना चाहिए? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा शो के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब इंसान साथ में रहता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती, जब आप बाहर निकलते तो उसकी कमी ज्यादा महसूस होती है. तो मैंने शो को बिल्कुल नहीं देखा कि उन्होंने मेरी क्या बुराई की है क्या अच्छाई की है. रिश्ता बना लिया तो बना लिया, उसको अच्छे से निभाओ. तो वो सोच के मैं अंदर आई थी, और जितने मेरे रिश्ते थे, चाहे विकास के साथ तो मेरा अच्छा ही था, शिल्पा के साथ मुझे अपना रिश्ता ज़रूर सुधारना था. तो मैंने उनको अपना कड़ा दिया और हम दोनों का जो बॉन्डिंग था वो फिर से स्ट्रॉन्ग. तो ये माँ बेटी का सिलसिला आगे तक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं. अभी का मैं वाक्य बताती हूँ आपको कि परसों कुछ परफॉर्मेंस था उनका, तो उनके हाथ में मेरा कड़ा डला हुआ है, तो उनको बहुत बोला गया कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स जो थे कि प्लीज़ उतारिए प्लीज़ उतारिए, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा है, और फिनाले में भी उन्होंने पहन कर रखा है. तो ये वाकई में मायने रखता है और आगे भी ज़रूर चलेगा. ओके अर्शी, आपसे अभी आपसे पूछोगे कि विनर कौन होगा, आपने विकास का और शिल्पा का नाम लिया, आपने हिना को तो रेस में नहीं शामिल किया. जी ऐसा है कि हिना खान के हाथ से मैंने 8वें हफ्ते तक पूरी ट्रॉफी छीन ली थी. वो वाकई में वो अच्छी अच्छी है, अच्छी अदाकारा है, लेकिन वो इसको शो को जीतने के लिए डिजर्व नहीं करती हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं अपने हिसाब से देखिए एक खेल होता है और अच्छे तरीके से खेला जाता है, जो विकास और शिल्पा ने खेला है, और हिना ने थोड़ा सा मतलबी पने से खेला है. तो वो सबको दिखता था, और वो वहाँ पर इतने कैमराज रहते हैं कि आप कितना भी अपनी कलाकारी दिखा दें, वो कैमरे पे आ जाती कहीं ना कहीं, चाहे वो रोना हो चाहे वो हंसना हो. जैसे मुझे हमेशा दिखता था कि वो सलमान के सामने अच्छा नहीं लगा वीकेंड के बाद पे, सो व्हाट, जैसे उसे क्यों बुरा लगेगा, जैसे वीकेंड के बाद पे जैसे सलमान कुछ उनसे सवाल पूछते थे तो वो बेवजह हंसती थी, मतलब वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. हंसो रो लेकिन सच्चाई के साथ करो, तो वो ऑडियंस को पसंद आता है और घर वालों को भी पसंद आता है. तो इसलिए मुझसे जैसे लड़ना, उनके गलत तरीके के अल्फाज बोलना, मेरे कपड़ों पे कमेंट करना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ऑडियंस को भी वो चीज़ नहीं पसंद आई होगी और हमको भी नहीं आई, तो वो डिज़र्व नहीं. थैंक यू, आई लव यू. तो उसने ऑब्वियसली क्लियर कर दिया है कि दिव्या और उसका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, और क्लियर करने दिव्या बिग बॉस के घर में क्यों आए वो उसको भी नहीं पता, वो ऑब्वियसली उसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. तो मेरा और प्रियंका बॉन्ड वैसा ही है, हम लोग अभी भी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है और क्या क्या बातें बोलता है, या हम कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने वाले या दुश्मन नहीं बनने वाले. इट जस्ट थोड़ी चीज़ें उसने बोली थी जो उसने क्लियर की बाहर आके, कि मैंने ऐसा बाय मिस्टेक बोला या मैं सोच नहीं रहा था व्हाटएवर, और मैंने भी जो बाहर आके बोला कि तूने ऐसा क्यों बोला, वो सब क्लियर हो गया. तो आई थिंक वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स एंड वील कंटिन्यू टू बी. What that just came from me watching the episodes. How difficult is that? तो मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी घर में, पर जो लोग अगर दोस्त बोल के पीछे से वार करते हैं तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था. वो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है when somebody calls you their friend and then bitches about you. तो अगर वो मेरी दुश्मन होती शो में, या अगर मेरी एनिमी होती या मुझसे नफरत करती होती, तो आई बी कम्प्लीटली फाइन विथ हर टॉकिंग क्रैप अबाउट मी, टॉकिंग बुलशिट अबाउट मी. पर उसने दोस्त बन के भी ये चीज़ की है, तो इसीलिए आई वाज लाइक मैं जो सोचती थी वो ये बिल्कुल नहीं है. और फिर मैंने दूसरे भी शॉज सीखे जहाँ वो सबकी बिचिंग करती है, नॉट ओनली अबाउट माई सेल्फ. सो आई थिंक ओवरऑल आई डोंट जस्ट नॉट लाइक हर पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मी, बट आई थिंक शी स्पोकन a lot of bullshit about a lot of people, jo nahi karna chahiye, at least not on national television. Yeah.
नहीं नहीं वो सिर्फ एक सी द प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम इज माय सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए जो प्रियांक के साथ ही कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और अब ये मैं ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ इट वॉज जस्ट अ फैन सेइंग मेरी तरफ से एक थप्पड़ मार देना आई वाज लाइक ओके बस आई एम नॉट गोना जेन्युइनली डू दैट और अब आपको शायद हिना की दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं है तो अब एक्चुअल आपके थॉट्स हिना के लिए क्या है क्योंकि अभी दोनों ने तो थॉट्स बता दिए बात बता दी सबका ही देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर मुझे उसकी दोस्ती की ज़रूरत थी तो उन्हें भी मेरी दोस्ती की ज़रूरत थी और यहाँ पे आपने सवाल क्या था कि आप घर से बाहर आ गए हैं अब आपको हिना की दोस्ती की कितनी ज़रूरत नहीं जितनी घर के अंदर थी तो अब आपके एक्चुअल थॉट्स क्या हैं हिना के बारे में थॉट्स तो यार वही हैं जो थे दोस्त अच्छी है और देख ले एपिसोड देख ले वो अलग बात है अगर तुम कह रहे हो तो मुझे पता नहीं आपके अगेंस्ट वो खड़ी हो आई थिंक अगर आर्ग्यूमेंट्स होंगे कुछ लड़ाई होएगी तो फिर मैं भी वापस जवाब तो दूंगा ही सो आई थिंक उसी की वजह से थोड़ी बहस हो गई थोड़ी सी बात खराब हो गई अदरवाइज जब मैं निकला भी था तब सब ठीक हो गया सो यू थिंक प्रियांक ने जो पहले स्टेप लिया था वो सही लिया अब वो तो प्रियांक ही जाने आप तीन की टिकट वो प्रियांक है मैं लाऊंगा पता नहीं वो तो वही जाने बट हाँ लड़ाई वड़ाई होती रहती है अभी सब ठीक है आरशी आरशी जब आप फिर से वापस आए वन लास्ट क्वेश्चन मैडम आरशी मैं जब आप फिर से वापस आए तीन दिन के लिए वो टास्क के लिए रिसेंटली तो आपने आकाश से कुछ बातचीत की कि डू यू फील कि आपका एविक्शन आप क्योंकि हम लोग सोचे थे आप जाएंगे फर्स्ट फोर में जी 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 तो क्या आपका एविक्शन हुआ क्योंकि यू वेंट अगेंस्ट थोड़ा शिल्पा के साथ जो नहीं ऐसा कुछ नहीं था मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई तो मैंने सोचा शायद हो सकता है लेकिन हाँ बड़ा अफसोस था मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि मैं अपने आप को 15वें हफ्ते में देखना चाहती थी और बिल्कुल फिनाले में जाना चाहती थी और हाँ ये सही बात है क्योंकि ज़्यादातर अर्शी और शिल्पा का रिश्ता जब मैंने बाहर आकर देखा है तो ये देखा कि मेरी आवाम को ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद था और लोग साथ में देखना ज़्यादा पसंद करते थे तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता किसी लोगों की वजह से ख़राब हुआ और उसका हर जाना मुझे भुगतना पड़ा और उसी वजह से मेरा एविक्शन हुआ लेकिन हाँ शिल्पा और अर्शी का रिश्ता खुद से नहीं ख़राब हुआ था उस घर के लोगों ने ख़राब किया था थैंक यू गाइस बाय ओके प्रियांक तो क्या चाहते हैं आप कौन जीते आज ट्रॉफी डेफिनेटली मैं थोड़ा सा रोलिंग या रोल 2 minutes guys who's coming so yang bataiye kon aapke body hona chahiye na main definitely chahta hu mere doston mein se koi jeete na ya vikas mein se to I'll be really really happy ke in dono mein se jo bhi jeete but let's see inshallah I have my fingers crossed and I hope in dono mein se koi to jaye so let's see now you said ki hina aur vikas jeete kya aapke dost hai shilpa aapke dost nahi नहीं शिल्पा जी दोस्त हैं बट ये ज़्यादा क्लोज हैं मेरे बेसिकली यू नो ऑन पर्सनल लेवल इफ आई सी आउटसाइड द हाउस ऑल्सो हिना विकास तो ऑलरेडी हैं मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त यू नो इज़ वेरी वेरी क्लोज बट डेफिनेटली आउटसाइड लाइक आई हैव एक्सपेक्टेशन दैट हिना विल बी टर्निंग आउट टू बी अ वेरी ग्रेट फ्रेंड एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सो यस आई एम रूटिंग फॉर बोथ ऑफ देम बिनाफ्शा के साथ तो ये मैं बता सकता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए रुकी है थोड़े टाइम के लिए एक्चुअली मैं नहीं करने वाला बिनाफ्शा के साथ परफॉर्म बिकॉज आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा उस चीज़ का तो मैं हिना और लव साथ में परफॉर्म कर रहे हैं so yeah that's going to be interesting the trio is coming for the very first time to perform so yeah that's what people wanted trio bilkul trio hai love ki tarah bahar gaya na abhi to अभी मैं दिखाता उसको ऐसे गले मिलता आप लोगों के सामने बिल्कुल ट्राई क्यों नहीं रहेगा गेम शो था उसके बेसिस पे हाँ हिना अभी आएगी बाहर आएगी तब आप देख लेना बिकॉज जस्ट गेम शो के पीछे वी कैन नॉट बी डिसाइडिंग द फ्रेंडशिप एंड यू नो इट्स वेरी इमेच्योर अगर मैं फ्रेंडशिप तोड़ दूँ इतनी जो ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप रही है जस्ट गेम शो के पीछे सो इट्स नॉट हैपनिंग फ्रॉम थ्री ऑफ अस किस चीज़ में यार वो जो अगर मैं स्प्लिट्स की बात करूँ अगर तो वो एक डिफरेंट तरीके का रिलेशन था मेरा डिफरेंट तरीके का बॉन्डिंग था वो मेरा मैं उसे दोस्ती नहीं बोलूँगा मैं उसे दोस्ती से कहीं ज़्यादा ऊपर रखता हूँ जो मेरी बॉन्डिंग थी ठीक है आगे वो काम नहीं करा हमारा इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट यार वी हैव मूव्ड ऑन दो सो
Ben is a very, very great friend, very, very dear friend, very like one of the closest friends I have, and I love that girl and I hope she loves me back. Priyank, जब आप अभी घर से बाहर आएंगे, आपने बकायदा अपने clips लेके आएंगे and all that, तो सबसे बड़ा surprise element आपके लिए क्या रहा है? Surprise element क्या? मैंने जो कुछ ऐसा shocking मेरे लिए रहा नहीं, because जो सब कुछ हुआ अंदर वो मैंने ही किया है. So actually there's nothing so shocking about the thing. जो किया वो सामने था सबके. So that's nothing is so surprising and shocking, to be very honest. Any regrets from Of course, yeah. Why not? Like, see, I've done one two mistakes. I don't owe those mistakes for sure. I'm not proud of those things. I really really regret that I can undo those things from the past. Because I'm not that kind of a person, but I've done mistakes. I've apologized for this, and I'm man enough to actually accept those mistakes and, you know, try to be a better version of myself. And today, coming out in front of you all and entire nation, and I've apologized enough. And they are great friends, those two girls, Arshi and Shilpaji, and they are one great, great ladies. And yes, please respect women. थैंक यू प्रियंक. प्रियंक एक लास्ट सवाल आपसे कि अगर आपके कोई फ्रेंड है कभी आगे जाके कोई बिग बॉस में जाता है, आप उसको क्या सजेशन देंगे? दो सजेशन. दोस्तों के साथ मत जाना. नहीं नहीं नहीं, I'm just kidding. Like it's not a suggestion, because see, friends के साथ बिग बॉस में जाना, because Ben and Vikas I already knew. So you know, it gets a little difficult. आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज अगर आप किसी जने को नहीं जानते और अगर आप उससे अगर लड़ाई करते हैं शो के अंदर, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता है. जैसे कभी मेरी विकास से लड़ाई होती थी और बिनाफ्शा से लड़ाई होती थी ना, तो वो चीज़ उनको भी बहुत इफेक्ट करती थी और मुझे भी बहुत इफेक्ट करती थी गेम में. मुझे अपने आप से ज़्यादा डर ये लगता था कि बिनाफ्शा शायद गेम से ना चली जाए, और मे बी विकास को डर लगता था प्री ना चला जाए. यू नो, सो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वी बींग सो क्लोज टू ईच अदर, इट मैटर्स. एंड यू कैन नॉट बी फोकसिंग ऑन द गेम थ्रू आउट. यू फील कि अच्छा अपने बारे में सोचें, अपने दोस्त के. सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इट कम्स. So I think that's not advice. You can definitely go if that friendship is really strong, but make sure that nothing is going out of the hand. Agar aap friends ke saath ja rahe, because there might be the things ke there might be the situations ke aapki friendship pe questions uthe, because arguments honge. Agar aap bahut strongly game mein ja rahe hain, teeno ya charo jitne bhi friends hain, agar aap bahut strongly game ke andar ja rahe hain, to there will be a point that clashes has to happen. So make sure that the friendship bond is so strong that nothing you're losing when the game gets over. So I've not lost Vikas or neither Binafsha. So I'm very happy about this. I have the hold of both the hands with me. So that's one thing. Like the suggestion is basically go with your friends, but make sure, even if you're going with them, that you're mature enough to handle situations and not let the friendship go, because that's a deeper and a bigger picture outside the house, because this is the real Big Boss house once you enter outside the house. So, yeah. But Priyank, were you mature enough? Were you a true friend? Because in a bid to make new friends, आपने पुरानी friendship stake पे रख दी और कई बार ये different phases में हमने. नहीं, it's not about के मुझे नया रिश्ता बनाना था, इसलिए मैंने विकास का रिश्ता छोड़ दिया. विकास और मेरे बीच में problems first week के अलावा, because तब तक हम game को समझ रहे थे, and जब मैं वापस आया था तभी से थोड़े से शुरू होने से जो arguments होने लग गए थे. तो I won't say, because हिना से तब तक मैं close हो ही रहा था, इतना हुआ नहीं था. राइट, हिना से तो इवेंचुअली जाके मैं आई थिंक 10th वीक में और मे बी 9th वीक में आके लास्ट कुछ वीक्स में काफ़ी क्लोज हुआ. सो आई वोंट से कि मैंने इस रिश्ते को बनाने के लिए, दैट वाज हिनाज, मैंने विकास का रिश्ता छोड़ दिया, इट्स नथिंग लाइक दैट. बट जब आप एंटर करे थे फिर से, तो आपने यही बोला था कि ये तीनों पॉपुलर है, इनके साथ में मिलके खेलूंगा. राइट, हिना, शिल्पा और सपना. नहीं, ऐसा मैंने पहली बार ऐसा मैंने बोला नहीं था कि ये तीनों पॉपुलर है, दैट वॉज विकास थॉट बेसिकली, दैट वॉज माई इंटेंशन. मेरा क्लियरली यही विकास ने पूछा था, हू इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, बिकॉज आई वॉज डिस्कसिंग तेरे ओपिनियन से कौन बहुत है. बिकॉज मैं फिर बाहर गया, मैंने लोगों को और अच्छे से जाना, तो आई थॉट कि अरे सपना की पॉपुलरिटी वॉज अमेजिंग, हिना हैज़ ग्रेट फैंस, शिल्पा हैज़ ग्रेट फैंस. आई टोल्ड विकास दैट वे, वो लोगों को लगा कि मैं गेम खेलेंगे चक्कर में ऐसे करूँ. सी, शिल्पा जी एंड मी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड द गेम. अगर मुझे सच में ऐसा लगता है वो बहुत पॉपुलर है, तो मैं उनके साथ गेम खेलता. आई वॉज ऑलवेज लाइक ऑन द ऑपोजिट साइड, लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल, बट ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ गेम. सो यार, हिना और सपना के साथ डेफिनेटली था मैं, बिकॉज दे आर ग्रेट फ्रेंड्स इवन आउटसाइड द हाउस, एंड नॉट बिकॉज वो बहुत पॉपुलर है. आई थिंक यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा सबके सब पॉपुलरिटी के लेवल पे बहुत नेक टू नेक है. किसी की इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, किसी की थोड़ी सी कम है, बट दैट डजंट मैटर टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाई विल आई बी फीलिंग बैड अबाउट हिम? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ही डिजर्व्स इट. ही वॉज देयर, ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी देयर, वन ऑफ द टॉप फोर. एंड किसी के हाथ में लगता है, किसी के हाथ में नहीं लगता यार. आई डोंट फील बैड फॉर माई सेल्फ, आई डोंट फील बैड फॉर हिम. आई थिंक ही डिजर्व्स इट. आई थिंक आई डिजर्व टू गो आउटसाइड,
बिफोर हिम और बिफोर एनी वन लाइक बिफोर दोज टॉप फाइव पीपल दैट्स वाई एम आउट एंड देश ने वही चाह नेशन ने वही चाह वही हुआ एंड ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम कि मैं टॉप सिक्स और टॉप सेवन में उस गेम में था टॉप सेवन इफ आई एम व्हाट्स योर टेक अवे फ्रॉम द शो विल यू बी मोर केयरफुल अबाउट योर कमेंट्स ऑन वुमेन आई मीन व्हाट इज इट ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लाइक यू नो इट नेवर द थॉट प्रोसेस हैज नेवर बीन लाइक दैट आई वांट टू स्पीक अगेंस्ट वुमेन टू बी वेरी ऑनेस्ट शो में हुआ एक या दो बारी बट इफ यू सी माय एंटायर जर्नी इफ यू वांट टू जज सो राइट नाउ ओके आई टेक सो दिस इज अ वाइट शर्ट राइट आई एम वेयरिंग सो इफ यू एक दाग अगर उस पर लग जाता है आपके उस बेसिस पे अगर मेरी पूरी जर्नी को अगर आप यू नो इफ यू आर स्केचिंग इट देन इट्स आई फील दैट्स रॉन्ग बिकॉज इट हैज जस्ट हैपन वंस इफ यू सी माई एंटायर जर्नी विद इन 2017 दैट वॉज वेरी क्लीन एंड यू नो वेरी ऑन स्पॉट एंड ऑन पॉइंट सो प्लीज डोंट जज एक चादर पे सफ़ेद चादर पे एक दाग लगने की वजह से उस चादर को प्लीज आप जज मत कीजिए दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से Am I making sense to you guys? Thank you guys, thank you. Love you all, thank you. Thank you, thank you. Performance was good. Very good, you'll enjoy it. Yes, you'll enjoy it. Was I? All set? No, all set nahi. All set hota, wo khud hi bol rahe ready. So apparently, Hiten, you are performing with Aashiq Khan. Yeah. So could you just elaborate a little bit what exactly the audience will see? Audience will get to see the same thing they got to see. They were enjoying, I believe, when I got out, I got to know that you guys enjoyed our Nok Jok a lot. वो जो जिस तरह से मेरे पीछे पड़ जाती थी और मैं जिस तरह से नागिन नागिन बोल के उन्हें हटाता था तो आपको परफॉर्मेंस में भी वही देखने मिलेगा द मुद्दा इज सेम बिकॉज द कैरेक्टर्स वॉट वी वर इन साइड आर द सेम I was always running away and she was always chasing me. So, आवाज़ भी बहुत आ रही है उसकी तो यही हो रहा था तो आपको नहीं लगता शिल्पा और विकास का सॉन्ग आपको रशी को देना चाहिए मैं नाबिंदु सफीरा एक्चुअली सॉन्ग होना तो उस पर ही था कि ये पर इसमें एक वो लाइन है ना मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं तो हम लोग दुश्मन नहीं थे कायदे से देखा जाए तो देर वॉज नो दुश्मनी दुश्मनी इट वॉज लाइक कि भाई मेरा पीछा छोड़ दे मेरी माँ क्यों मेरा पीछा कर रही है नागिन वो ज़रूर थी लेकिन मेरा ख्याल है उससे बड़ी नागिन शायद सब लोग दिखाना चाहते कि शिल्पा है मुझे पता नहीं दिखाना चाहते तो हितेन आपने शो फॉलो किया होगा और जैसे जैसे शिल्पा ने आपको वोट आउट किया एंड फिर उन्होंने उसका रीज़न दिया देयर वर टू थिंग्स कॉम्पिटिशन एंड अदर थिंग वॉज विकास तीन ट्राई ट्राई को तोड़ना था वो आई थिंक अभी बाहर निकलने के बाद में शायद तीसरा कोई रीज़न बताएंगे तो जब वो बता दें एक बार मेरे से सलमान सर ने भी यही सवाल पूछा था स्टेज पे वो एक बार वो क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्यों निकाला उसके बाद हमें समझ में आएगा कि अभी तक मिस्ट्री है मेरे लिए मिस्ट्री है आप अपनी तरफ से मिस्ट्री क्लियर करने की कोशिश करेंगे मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो वो घर में हो गया उसको वहीं रहने देना चाहिए बेटर है फॉरगेट इट यू डिड व्हाट यू वांट टू आई डिड व्हाट आई वांट टू वी मूव ऑन ओके फाइन ये अफसोस है कि उनसे उम्मीद नहीं की गई थी ऐसा क्योंकि मैंने उनका क्या मैंने शायद किसी का कोई बुरा किया ही नहीं घर में बट हाँ दूसरे लोग किस तरह से गेम खेल रहे थे क्या थे समझ में आ रहा था बिकॉज शी हैड नथिंग टू फियर अबाउट आई मीन अगर दूसरे लोग करते फॉर एग्जाम्पल जिनको डर है अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर भी हूँ उनके लिए तो मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे रख के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ में करना चाहिए कॉम्पिटिशन ना कि वीक्स के साथ में तो कोई भी जीत के आगे जा सकता है तो मेरे हिसाब से उन वो डर नहीं होना चाहिए था बट एनीवे दैट्स व्हाट शी सेड कौन जीतना चाहिए मेरे हिसाब से तो विकास जीतना चाहिए 100% बट विकास को भी मतलब लोग मान रहे थे कि उन्होंने भी अपना बहुत दिमाग चलाया था देखिए दिमाग चलाया सब कुछ किया मैं सिर्फ ये मैं वो देखूंगा कि वहाँ अंदर मुझे तीन लोगों ने सपोर्ट किया उस वक्त वैसे मुझे दो लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे वन वॉज विकास एंड वन वॉज अर्शी विच आई विल नॉट लाई विच इज़ लाइक वेरी क्लियर कि हर टाइम दे वर लाइक के ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे के लिए पहले थे पहले अर्शी बोलती थी फर्स्ट इज़ विकास एंड देन इज हितेन एंड विकास यूज़ टू से फर्स्ट इज़ हितेन एंड देन इज़ अर्शी तो ये उन्होंने रखा है और जब बारी आई वोट देने की तो उन्होंने अर्शी विकास एंड पुनीश गेव मी वोट्स रेस्ट अदर्स वोटेड मी आउट द मेन वोट वाज शिल्पाज वोट विच एवरीबडी थॉट के डेफिनेटली शील से हितेन बिकॉज कभी कुछ किया नहीं और जैसे भी हो मेरे हाँ सॉरी जैसे भी हो मेरी तरफ से
मेरा जो स्टाइल था सपोर्ट लेने का, वैसे मैंने सपोर्ट लिया था, उनके लिए किया था, लेकिन शी वोटेड मी आउट, तो आई वॉज आउट. तो मुझे नहीं लगा कि विकास ने कुछ किया है, गलत किया है. वो चाहता तो हाँ शिल्पा को कन्विंस कर सकता था, क्योंकि वो हर टास्क में कन्विंस करता था लोगों को, कोशिश करता था. बट आई थिंक वो मेंटल फ्रेम ऐसा था उस वक्त कि शिट व्हाट हैपेंड, कि ये क्या हो गया सडनली कि इधर वोट 3 आए और इधर 4 वोट हो गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था. तो हो सकता है कि ही वॉज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड. बस थैंक यू लवली. काम बचा दिया तुमने मेरे को. मेरे पल 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 याद तेरे से. चलो ये थप्पड़ वो नहीं जाना, वो ऐसे भी गया है. आई लव यार आकाश, सपना को रखो बीच में, इतनी खूबसूरत है, मेरी शक्ल ही नहीं है मेरी को यार. तुम ऐसे ज्यादा स्मार्ट है आकाश, इसको रख देगा बीच में, सपना को रखे बीच में. एक साथ ही सब होगा क्या? ये I said like, yeah, baby. Oh, mainu pal 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 yaad teri satave se hai. Tera ru ta na 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 ta ta na na na. Alright, let's do it. Start, start, let's do it. Hey, ye kaun hai yaar? Time out, time out, time out. Chalo, let's start. Acha, pehla sawal, teeno se kise winner group mein dekhna chahte hain aap log? Hena. शिल्पा, आकाश आकाश आप आउट हैं. तो अधूरी रह गई, लेकिन अब जो बचे हम में से बता दीजिए. देखो पुनीश मेरा भाई है, तो ऑब्वियसली मैं पुनीश को ही चाहता हूँ. बट मेरे को लगता है मास्टरमाइंड विकास गुप्ता भी ये जीत सकता है शो. व्हाट इफ अगर शिल्पा जीत गई तो क्या करेंगे आकाश, सेलिब्रेट या रिग्रेट? अरे उनके पांव छूऊंगा, बोलूंगा थैंक यू माता जी जीतने के लिए. ट्रॉफी मुझे दे देना. ट्रॉफी चाहिए, पैसे नहीं? अरे पैसे तो हम बनाते ही रहेंगे. बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, पैसे तो बना लेंगे. ट्रॉफी अच्छी लगती है. सपना आप सोचते हैं कि वो ट्रॉफी आप जीत नहीं पाई इतना अच्छा खेलने के बावजूद? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अफसोस की कौन सी बात है. हम जितने भी बाहर निकले हैं हम अपने आप को सब जीता हुआ ही महसूस करते हैं. यहाँ जाना ही हमारे लिए जीत है, और जीतना हारना लाइफ में कभी मैटर नहीं करता. पूजा बहुत उम्मीदें रखी थी आपसे चैनल वालों ने कि आप घर जाओगे एंटरटेन करोगे, लेकिन क्या हो गया? हाँ. थोड़ा सा जी हो गए, क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था आपसे? वो एक रियलिटी शो है, तो रियल मैंने अपने आपको दिखाया उसमें. मैं बहुत सिंपल हूँ. ढिंचे पूजा एक करेक्टर है जो आप 24 घंटे नहीं रख सकते. बाहर आके मुझे लगा कि ज्यादा फ्रेंडशिप में नहीं पड़ना चाहिए था मुझे, और अपना अलग खेलना चाहिए था, और लोगों को मेरा अपना यूज़ नहीं करने देना चाहिए था, जो मैंने करने दिया, क्योंकि मैं बहुत ओपन हूँ. मैं ठीक है चल रहा है ठीक है, और सिंपलिसिटी कहीं ना कहीं मेरे को बाहर ले आई जैसा लगा. मुझे आपने कहा कि लोगों को यूज़ नहीं करने देना चाहिए, तो कौन थे वो लोग? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी सर. अभी आप बता सकते? आकाश, एक आकाश था. मैं डिंचाई पूजा डेफिनेटली यूज़ किया. आई थिंक विकास और अर्शि से ज़्यादा बात की, और उसी वजह से कुछ हुआ ऐसा कुछ. ये वैसे बहुत अच्छी लगी. हाँ दोस्त पुनीश जीत सकता है, पर मे बी मास्टर माइंड मास्टर स्ट्रोक से भी जीत सकता है. हु नोस, या शिल्पा शिंदे या हिना खान. सो That's about it. Shilpa jeetegi. Thank you. Okay, thank you. Sapna, ye show kis tarah aapko like career wise? It has kick start, matlab keh sakte hain ki koi naye mauke aapko diye hain. Ha ha, bahut बहुत कुछ नया नया इस शो से मुझे मिला है, जो आगे आपको पता लगेगा.
अभी नहीं बता सकती, लेकिन इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, स्पेशली जो एक्सपीरियंस इन्होंने मुझे दिया है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। इस घर में एक हफ्ता जो भी रहेगा मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो इतना बोल्ड हो जाएगा, अपने आप को इतना समझ लेगा कि वो समझ जाएगा कि एक्चुअली में मैं क्या हूँ, क्योंकि जो अकेलापन आपको वहाँ मिलता है ना हर चीज़ से अलग, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब भूल जाते हैं अपन। और मुझे एक और चीज़ ऐड करने का है, ये शो और ये प्लेटफॉर्म बहुत परफेक्ट है, किसके लिए भी सलमान भाई नंबर वन होस्ट है। और सुनो, मीडिया में मैं बोल रहा हूँ, पावनी पांडे जिसने लैला में लैला गाया है मेरे साथ एक गाना रिलीज कर रही है, इट्स अ सरप्राइज, पावनी पांडे एक है सतलानी कमिंग टू यू सून एवरीबॉडी, रॉक एंड रोल, ओके बूम, बैंग बैंग, आई वे डन दिस, मैं ना तो देखा मोर क्वेश्चंस फॉर मी बट आई लव यू लव, ए मैं अच्छा दिख रहा था क्या मस्ती वाले का सब। आपको क्या लगता है पुनीत जीतेगा नहीं जीतेगा? हाँ यार Yeah, I'm done. Enjoy. Sorted. It's okay. So today, I'm gonna solve it on air. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करने की आप बिग बॉस के फिनाले में हैं, कितना मजा आया इस बार की सारी परफॉर्मेंस और सारी चीजें। एक मिनट, देखना किधर है? सबको लुक मिल जाएगा। ओके ठीक है। फिनाले आ गया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत प्राउड भी हूँ पुनीश को लेके कि वो एक कॉमनर होके सब कॉमनर्स को छोड़ के तीन इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ घर में बैठे हुए हैं। सो यू नो वी आर एक्साइटेड ऑल्सो, नर्वस ऑल्सो, लेकिन एक ये भी चाहते हो जल्दी ख़त्म हो, अब बस खत्म हो और फटाफट बिग बॉस सीजन खत्म हो और मजे करें, नॉर्मल रियल लाइफ जिए। अभी कहीं ये एगरनेस इसलिए भी तो नहीं है कि पुनीश के साथ आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, और क्या, बाकी सबसे तो मिलेंगे बाद में, लेकिन ये इसीलिए ही है। टिपटे बरसा पानी पे हमने परफॉर्मेंस की है और रात को हमने शूट किया है ठंडे पानी में पूल के अंदर 4 बजे लोनावला की ठंड में, वो भी रेन वाटर डांस के साथ। सो आप देखो, आपको देखने में बहुत मजा आएगा आज जब टेलीकास्ट होगा एपिसोड। बन गई, क्या चाहते, कौन जीते? मैं तो पुनीश को ही चाहूंगी जीतना, बट अगर वो नहीं जीतते हैं तो शिल्पा और विकास में से कोई भी। हीना क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, इसलिए मैं इन दोनों को चाहती हूँ। वो नहीं जीते ऐसा नहीं चाहती हूँ, बट शिल्पा और विकास में से कोई जीते। वैसे रॉकी के साथ आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो सचमुच हीना को कहीं इफेक्ट करेगा आगे चल के या फिर बस वहाँ छेड़छाड़ी हो रही है? नहीं नहीं, वो तो सलमान मजाक करते रहते हैं, वैसे भी आप देखते हो कि हर वीकेंड वो बोलते रहते हैं मैं कभी बाली चली गई हूँ कभी थाईलैंड चली गई हूँ, तो वो उनका एक मजाक ही था, ऐसा कुछ नहीं। वैसे हीना के साथ आपकी केमिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी घर के अंदर, बट रॉकी के साथ आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो अब जब वो बाहर आएंगी तो कितना डिफिकल्ट होगा सब कुछ मैनेज करना? रॉकी और मेरी केमिस्ट्री नहीं थी, वो सिर्फ हम नॉर्मल जो पड़ोसी घर में रहे, तो इज़ अ नाइस पर्सन और मज़ा आया वहाँ पे साथ में रह के, बिकॉज हम तीन ही यंग थे, आशुतोष भैया, मैं और रॉकी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया पेरेंट्स के साथ बीच में रह के। और हीना के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो टास्क थे, टास्क में ऐसे होता है जब मैं घर से बाहर आई थी तो मैं उसी जोन में थी, अभी एवरीथिंग इज़ फाइन, हम सब बाहर साथ में ही पार्टी करने वाले हैं। अगर शिल्पा या हीना की बात करें, दोनों में से किसे आप जितना देखना जितना देखना चाहते हैं? शिल्पा, कॉस शिल्पा, डे वन से शिल्पा। थैंक यू, वेलकम। एक मिनट मैम।